हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पार्टी बॉयज। और हम लोग हैं पूर्णगढ़ में, फैजोर में। और हम लोग जब पूर्णगढ़ में है तो सोचा कि आपको पूर्णगढ़ का थोड़ा दर्शन कराया जाए, क्योंकि पूर्णगढ़ एक ऐसा गांव है जहाँ पे कभी कोई बोर नहीं होता। यहाँ पे फिशिंग है, यहाँ पे मैंगो फार्म है, यहाँ पे बीचेस है, यहाँ पे फोर्ट है, यहाँ पे मस्ती है, यहाँ पे मज़ा है, यहाँ पे सब कुछ है। तो जब तक हम लोग यहाँ पर, सोचा आपको थोड़ा पूर्णगढ़ के दर्शन कराया जाए। तो चलो आपको दिखाता हूँ पूर्णगढ़ में क्या क्या चीज़ें होती है। वो स्टार्टिंग के लिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे फिशिंग कैसे की जाती है। उसके बाद में आपको लेके चलूँगा मैंगो फार्म्स पे, उसके बाद में और भी कई चीज़ें दिखाऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग पार्टी बॉयज। सो गाइस, ये है फिशेज जो यहाँ पे मेन ऑक्यूपेशन पूर्णगढ़ में माना जाता है, फिशिंग। आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे फिशिंग पे जाते हैं। और ये हमारे अजमत भाई जो फिशिंग का पूरा संभालते हैं, मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट। और ये अभी रात को सब फिशिंग करके लेके आते हैं, सारे फिशेज पकड़ के फिर रत्नागिरी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का यही ऑक्यूपेशन होता है फिशिंग का। और अब ये जाएंगे फिशेस को लेके रत्नागिरी में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा कि ये फिशिंग का ऑक्यूपेशन है, ऐसे मैंगो का भी मेन ऑक्यूपेशन यहाँ पे चलता है। हमारे पे मैंगो फार्म बहुत सारे हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ आगे लेके जाके कि यहाँ पे और क्या क्या देखने लायक चीज़ें हैं, मैंगो फार्म से कैसे होते हैं वो। सो गाइस, जैसे आपने देखा यहाँ पे फिशिंग एक मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है। आपने फिशेस, मैंने आपको फिशेस दिखा दिया। चलो आपको दिखाता हूँ यहाँ के एक और सी फूड है जिसको बोलते हैं कालवा। और जैसे कि सारे कोकनी लोग को पता होगा कालवा क्या चीज़ होती है, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक तरह का शेल होता है जिसके अंदर होता है मीट टाइप। वो ये लोग भुन के या फिर पका के खाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होता है। सो ये है कालवा। तो जो कोकनी लोग हैं उनको तो पता ही होगा कालवा खाने में कैसे लगते हैं वो। तो ये हमारे सामने जो समंदर है, हम लोग यहीं से फिर सारे कालवा फेच करके लेके आते हैं। आप देख रहे होंगे बोट वगैरह दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे फिशिंग एक तरीके का मेन ऑक्यूपेशन माना जाता है। तो ये है कालवा। तो चलो देखते हैं आगे और क्या क्या देखने मिलता है। अभी हम लोग निकलते हैं पूर्णगढ़ दर्शन के लिए, आपको दिखाते रहेंगे पूर्णगढ़ में देखने के लिए क्या क्या चीज़ें। तो स्टे ट्यून्ड कीप वॉचिंग पार्टी बॉयज। सो गाइज, आपको हम लोगों ने दिखाया फिशेज, हमने आपको दिखाया कालवा, ये है फैजू रेडी हमारी बाइक पे। और हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ की जेटी, जो कि एक छोटा सा पुल है, बहुत फेमस है यहाँ पे, देखने लायक जगह है। तो हम अभी जा रहे हैं फैजू के साथ में ब्लैक ब्यूटी के ऊपर सवारी करते हुए। आपको दिखाते हैं यहाँ पे कैसा सीन होता है। टाइम हो गया है शाम का और शाम में धूप चली गई, तो घूमने का थोड़ा मज़ा आएगा, तो हम आपको भी लेके चलते हैं घूमने के लिए। तो ये रहा पूर्णगढ़। तो हम लोग घूमते हुए पूर्णगढ़ में आ गए जेटी पर। मैंने आपको दिखाया फिशेस कैसे यहाँ पर होते हैं, पर मैंने आपको ये नहीं दिखाया कि फ़िशिंग कैसे की जाती है। लकीली हमें यहाँ पर कुछ लोग दिख गए जो फिशिंग कर रहे हैं, तो मैं आपसे शेयर करता हूँ ये लोग फिशिंग कैसे करते हैं वो। तो थोड़ा दूर है, वो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, दिख जाए तो अच्छा है। तो कीप वॉचिंग। तो हम लोग आ गए जेटी पर। यहाँ पे सारे बोट्स यहाँ से जाते आते जो फिशिंग करके आते हैं वो यहीं पर लगते हैं। तो ये रही वो जेटी, और हम लोग यहाँ पे अभी एकदम किनारे पे खड़े हैं, जहाँ पे आप देख रहे हो पूरा जो समंदर है ये पूरा जाके कनेक्ट होता है अरेबियन सी को। और हमारे सामने है पूर्णगढ़। ये है पूर्णगढ़, जो कि गाँव हमारा आधा पानी में होता है। पूर्णगढ़ की खासियत यही है कि एक साइड में जो घर है वो आधे पानी में होते हैं। जब पानी हाई टाइड होता है तो आधे घर पानी में चले जाते हैं। तो आप देख सकते हो कितने कनेक्टेड है घर जो समंदर से, कितने नज़दीक है वो घर। तो यही तो पूर्णगढ़ की खासियत, यही तो पूर्णगढ़ की खूबसूरती है। अभी फजल ने बताया जो हम लोग के गाँव के पूर्णगढ़ के जो बोला ना पानी के अंदर आधे घर रहते, जो अपना मैं उधर दिखा सकूँगा, वो अपना जो पानी जो पत्थर लगाए हुए घर के लिए, चिरे बोलते हैं उसको, जो गीला नहीं खराब वेला है ना, जो खराब वेला है वहाँ तक पानी जाता है। जब पानी फुल हो जाता है, भर्ती बोलते हैं उसको, भर्ती के टाइम पे। और जो 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 बोलते ना क्या बोलते हैं, उदान उदान रहता है ना उदान, तभी तो ये पूरा ये एरिया फजल ये एरिया पूरा भर जाता है उदान के टाइम पर। यह खासियत की ये अपने पूर्णगढ़ की। सो गाइस, जैसे फैजू ने आपको बताया ये था पूर्णगढ़ की जेटी और ये था पूर्णगढ़ हमारा गांव। तो चलो हम आपको आगे लेके चलते हैं एक ब्रिज की तरफ, जो छोटा सा ब्रिज है जो पूर्णगढ़ को अंबेर से कनेक्ट करता है। मैं आपको लेके आता हूँ, वहाँ पे भी सीनरी बहुत अच्छी रहती है।
ये पुनागढ़ के बच्चे, ये पुनागढ़ के बच्चे हैं, इनसे मस्ती करना। हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, हाय गाइस, तो जैसे ये लोग कह रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और देखते रहो पार्टी बॉयज। हम आपको लेके चलते हैं आगे ब्रिज पर, तो आप देखते रहो ब्रिज पे का नज़ारा कुछ और ही होगा। चल के दिखाते हैं आपको अंधेरा होने से पहले। कीप वॉचिंग पार्टी बॉयज। So guys, here we are on the bridge of Purnagad. ये पीछे देख रहे हो आप, ये है पूर्णगढ़ और यहाँ पर है अंबेरे और ये एक छोटा सा ब्रिज है जो अंबेरे और पूर्णगढ़ कनेक्ट करता है। मेरे पीछे आप देख सकते हो पूरा पानी पानी है, ये पानी पूरा जाता है समंदर में जो कि है अरेबियन सी। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है आने के बाद, यहाँ पे बहुत हवा चल रही है, थोड़ा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है। फैजू भी हवा का इंजॉय कर रहा है। सुकून। सो ये पूर्णगढ़ का पूरा गांव आप देख सकते हो मेरे पीछे जो है वो, और जो आपको छोटा सा यहाँ पे जो दिख रहा है ये है वो ब्रिज जो नदी के बीच में कनेक्ट करता है पूर्णगढ़ और गावखड़ी को। सो हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं, थोड़ा बैठते हैं, थोड़ा फ्रेश फील करते हैं, देन निकलेंगे आगे और दिखाते हैं और कुछ देखने लायक मिलता है तो। लकीली हमें यहाँ पर एक भाई मिले हैं जो कि फ़िशिंग कर रहे हैं, तो हम लोग ने उनसे फ़िशिंग का एक वीडियो लिया है। तो आपको हम लोगों ने दिखाया कि लोग बोट में कैसे फ़िशिंग करने जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आप नेट से कैसे फ़िशिंग करते हो। वो सो गाइज आज है शूट का डे टू। हम लोग ने कल आपको दिखाया, मतलब आज के पहले आपको दिखाया कि फ़िशिंग कैसी होती है, यहाँ पे लोग बोट पे कैसे जाते हैं, फिश कैसे पकड़ते हैं। हमने आपको पूर्णगढ़ के जेटी दिखाया, पूर्णगढ़ का ब्रिज दिखाया और आज हम आपको दिखाने वाले हैं पूर्णगढ़ के मैंगो फार्म्स और जैक फ्रूट जिनको कहते हैं फनस। तो अब हम जा रहे हैं मैंगो फार्म्स में, तो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे मैंगो फार्म्स कैसे होते हैं, मैंगो कितने लगते हैं, कैसे लगते हैं वो। तो चलो हमारे साथ में। एक दिन में सब कुछ शूट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जगह है घूमने के लिए, एक दिन में सब कुछ कवर करना मुश्किल होता है। कल हम लोग रात हो गई थी इसलिए हमने आज दूसरे दिन फिर से कंटिन्यू किया है। तो चलो हमारे साथ में, हम आपको दिखाते हैं कि मैंगो फार्म्स कैसे होते हैं वो। सो गाइस हमें रास्ते में मिल गए यहाँ पे फनस के पेड़, तो हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे फनस कैसे लगते हैं वो। तो ये देखो यहाँ पर ऐसे लगते हैं फनस जो है जैक फ्रूट्स, यहाँ पर है बहुत सारे और यहाँ पर भी बहुत सारे है। ये देखो आपने देखा यहाँ पे फनस के झाड़ कैसे लगते हैं वो। चलो आपको आगे दिखा दो कि मैंगो फार्म्स कैसे दिखते हैं वो।
क्या बात क्या बात, एक फटके में आम तोड़ दिया, वो भी आपको ऐसा देखो एक नंबर। सो गाइस हम लोग जा रहे थे मैंगो फार्म से मैंगो देखने के लिए, तो हमें रास्ते में एक झाड़ दिख गया जिसपे एक बहुत ही पका हुआ हापुस आम लगा हुआ था, तो हम लोग ने सोचा कि इसको ना इसको तोड़ लिया जाए, तोड़ के खाया जाए। फैजू ने एक फटके में उसको तोड़ दिया, अब हम इसको खाएंगे और मजा करेंगे। यो की पहुंचे और ये दूसरा ये है रत्नागिरी का असली हापुस। सो गाइस अब हम आ चुके हैं मैंगो फार्म्स में। ये है इनायत मस्तान जिसका जिनके डैड का ये मैंगो फार्म है। ये लोग मैंगो का बिजनेस करते हैं, तो यहाँ से जितने भी हापुस आम आते हैं सब एक्सपोर्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर मैंगो फार्म्स कैसे होते हैं, मैंगो के ट्रीज कैसे होते हैं, वो मैंगो कैसे पैकिंग करते हैं, मैंगो की पेटी कैसे बनती है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो कीप फॉलोइंग मी। गाइस ये है इनायत लोगों का मैंगो फार्म। ये देखो यहाँ पे मिलते हैं हापुस आम, और ये हापुस सब एक्सपोर्ट क्वालिटी का हापुस होता है। तो जहाँ तक आपका नज़र जा रही है वहाँ तक के सारे मैंगो फार्म्स ही है, और ये लोग आम निकालने के बाद में इसे एक्सपोर्ट करते हैं। पैक करने के लिए ये घास यूज़ करते हैं ये लोग। और मैंगो को निकाल के जब ये लोग सॉर्ट करते हैं, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, तो सेटअप कुछ ऐसा होता है। पहले मैंगो का जमा किया जाता है। ये टॉप क्वालिटी का हापुस है जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ये मैंगो को सब निकाल के लोग कलेक्ट करके उसको सॉर्टिंग होती है। अलग अलग ग्रेड के हापुस आम होते हैं। सॉर्टिंग करने के बाद में इनको इन पेटियों में भरा जाता है और एक्सपोर्ट किया जाता है। पेटी को फुल इंसुलेट करते हैं लोग घास डालने के बाद में, जिससे कि हापुस आम ख़राब ना हो और इसके अंदर रह के हापुस और पक जाता है। तो ये ऐसे पेटियाँ बनती है। फर्स्ट स्टेप ये होता है, सेकेंड स्टेप ये होता है, थर्ड स्टेप उसको फिल करके एक्सपोर्ट करना होता है। तो ये देख रहे हो आप, ये असली हापुस आम है जो हमारे अभी मुंबई में मिलते हैं। वो रत्नागिरी के हापुस बोल के सारे केमिकल से पकाए जाते हैं, पर ये होते हैं रत्नागिरी के असली हापुस। सो गाइस ये है रत्नागिरी का असली हापुस जो कि अभी कच्चा है, जो पेटी में पैक करने बाद में पक जाता है एक्सपोर्ट होने तक। और ये सब कुछ रत्नागिरी के बाहर चला जाता है एक्सपोर्ट क्वालिटी, मोस्टली वाशी मार्केट में चला जाता है, मुंबई के बाहर भी जाता है, बहुत जगह पर जाता है हापुस आम। जो खुशबू इसकी है ना, वो खुशबू आपको कहीं नहीं मिलने वाली। मुंबई में जो मिलते हैं हापुस वो कुछ और ही होते हैं, वो रत्नागिरी के असली हापुस नहीं होते। ये होता है रत्नागिरी का असली हापुस। इसका आप साइज देखो, इसका शेप देखो, इसे कहते हैं रत्नागिरी का हापुस। सो गाइज मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे मैंगोज़ कैसे सॉर्ट करते हैं, कैसे पैक करते हैं, और इतना बड़ा अरेंजमेंट को मैनेज करना कोई छोटी बात नहीं है। और हमारे सामने है मिस्टर नदीम मस्तान जो कि सब कुछ मैनेज करते हैं। ये मेरे मामा लगते हैं, तो चलो इनसे पूछते हैं कि ये मैनेजमेंट ये कैसे करते हैं। मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। ओके गाइज तो मैं आपको मैंगो बिजनेस के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम इनसे पूछते हैं कि मैंगो का कैसे मैनेज करते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का सब कुछ। सो वेलकम टू पार्टी बॉयज़। और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये सब कुछ मैनेज कैसे करते हो, ये कहाँ कहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। हम जी ये हमारे यहाँ से जब पैकिंग होके जाता है उसके बाद हम रत्ना ये मुंबई में बेचते हैं वाशी मार्केट में। यहाँ से ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से उसको वाशी मार्केट भेजा जाता है। और यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग वैरायटी के आम है, उसको ग्रेडिंग किया जाता है। सॉर्टिंग करने के बाद 4 दर्जन, 5 दर्जन, 6 दर्जन ऐसे जो है सॉर्टिंग की जाती है। ओके सो मैंगो का सीज़न पूरे साल में आपको मैंगो का मतलब कितने महीने तक मैंगो मिलते हैं? मैंने मुझे जहाँ तक लोगों को पता है कि फेमस है, लोग जानते हैं कि मैंगोज मई के महीने में आते हैं, तो यहाँ पे मैंगो का जो मैंगो तोड़ने का काम होता है, मैंगो पैकिंग काम होता है, ये एक्चुअल में स्टार्ट कौन से महीने से होता है और कब तक चलता है पूरा?
एक्चुअली इसका जो फ्लावरिंग आने को शुरू होता है वो अक्टूबर से होता है, और वो तकरीबन 3-4 महीने उसको फवारनी की जाती है, उसके बाद कहीं जाकर वो जो है आम उसके ऊपर जो है दाग वगैरह नहीं आते, उसको मौसम का जो इफ़ेक्ट होता है वो नहीं हो पाता है, नहीं क्लियर होता है। और फिर उसके बाद जनवरी महीने से फरवरी महीने से वो आम जो है तैयार होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर उसको जो है फरवरी या तो मार्च महीने में निकालने को शुरुआत होती है, और फिर मार्च से लेकर तो मई के 15 या 20 तारीख तक आम निकलते रहता है, 2.5-3 महीने तक वो आम शुरू रहता है। ओके, इन्फॉर्मेशन देने के लिए थैंक यू वेरी मच। सो गाइज, आपने देखा कि ये जो आम को जो मैनेज करने का काम होता है ये 1 या 2 महीने का नहीं होता है, इसके पीछे कम से कम 7 और 8 महीने की कड़ी मेहनत लगती है। जो जैसे हमें बताया कि अक्टूबर महीने से इसका फ्लावरिंग एंड स्प्रेइंग सब कुछ किया जाता है, तो आम झाड़ से निकल के हाथ में आने तक कम से कम 7-8 महीना जाता है, और ये छोटी बात नहीं होती। इतने बड़े सीज़न को इतने बड़े फार्म में इतना सब कुछ मैनेज करना है, इसके लिए बहुत बहुत हिम्मत और डेयरिंग लगती है, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है इसके अंदर। सो, अभी तक तो हमें लगता था कि बस आम झाड़ से पक जाता है, उसको निकालते हैं और पैकिंग में भेज देते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। कम से कम 7-8 महीने की मेहनत लगती है, उसके बाद जगह कहीं हमें रत्नगिरी का असली हापुस खाने मिलता है। तो देखा जाए तो पूरे साल की मेहनत है इसके पीछे, और जो साल भर की मेहनत जब मई महीने में जाके रंग लाती है तो कुछ ऐसे दिखती है। तो ठीक है गाइस, हम चलते हैं अभी आगे, और ये तो थे हापुस आम, हम आपको दिखाते हैं भोपली आम, जो कि कोकनी लोगों को तो पता ही होगा कि भोपली आम क्या होता है, वो खाने में कैसा होता है। खाने में वो आम नहीं, खाने में नारियल की तरह लगता है, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है, और मुंबई में तो इसको मिलना बहुत मुश्किल है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि भोपली आम कैसा होता है, वो कहाँ पर लगता है। तो हम अभी जाएंगे वहाँ पर, वो आगे वहाँ पर भोपली आम के पेड़ है, तो चलो चल के देखते हैं वहाँ पर भोपली आम कैसा होता है, वो मैं आपको दिखाता हूँ भोपली आम। तो गाइज, अभी हम लोग हापुस आम से निकल के आ गए हैं भोपली आम के फार्म में, तो फैजोर में आ गए भोपली आम देखने के लिए। तो भोपली आम होता है कुछ ऐसा, ये है रत्नगिरी का भोपली आम, जो कि अभी छोटा है, इसको कम से कम 1 महीना और जाएगा पकने के लिए, और ये एक आम नहीं तो भी आधा किलो तक चला जाता है, मिनिमम आधा किलो जाता ही है। तो अभी यहाँ पे कितने सारे आम लगे हुए, ये है वहाँ पे भी आप देख सकते हो कितने सारे आम लगे हुए, मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखो कितने सारे भोपली आम हैं। ये आम आपका मुंबई में खाने नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ रत्नगिरी में ही मिलते हैं भोपली आम, और पकने के बाद एक आम खाओ बस घर पे चले जाओ। अभी छोटी साइज है, अभी बहुत छोटा है, अभी उसको बढ़ने के लिए और 1-1.5 महीना जाएगा, और बढ़ के 1.5-1.75 किलो तक चले जाते हैं। आधा पौना किलो हो जाते हैं, इतना ऐसे ऐसे इतनी बड़ी हो जाती है वो साइज। ये जो साइज है ना अभी बहुत छोटी है, मैं बोलते ना ये अभी हापुस आम की इतनी है, समझा? तो अभी इसकी साइज है ना और इतनी हो जाएगी ऐसी, उसकी साइज जो हो जाती है ना फसल बहुत बहुत इतनी बड़ी हो जाती है ऐसी। ये अभी तो बहुत नीचे है, ये देख ये ना इतना है ना, अब जो बड़ी साइज हो जाएगी ना तब ये पूरा है ना, ये पूरा इसको भी तोड़ के जाएगा, ये पूरा है ना ये ज़मीन को लटक जाएगा ऐसा, इतनी वजन हो जाती है वो। और इसको इसको है ना फजल, इसको पक्के से अच्छा कच्चा खाने में मजा आती है, समझा? तो गाइस, जो भोपली आम होते हैं ये खाने में कच्चे अच्छे लगते हैं, और ये इतने मतलब झाड़ के इतना ऊपर नहीं होते, इतना नीचे होते हैं ना कि इसको हम खड़े रह के नहीं, हमें इसे बैठ के भी तोड़ सकते हैं। ये एक मिनट ये ऐसे हाँ, तो ये है भोपली आम, अभी कच्चा है, हम लोग इसको खाने वाले, देखते खा के कैसा लगता है वो। बहुत साल हो गया मैंने भी भोपली आम नहीं खाया है, तो आ जाओ इसको थोड़ा नमक लगा के खाया जाए।
सो गाइस ये जो भोपली आम है इसको काट के नहीं, इसको फोड़ के खाया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये है अभी कच्चा है, पर ये खाने में खट्टा नहीं रहता है, ये खाने में लगता है नारियल की तरह। खाया हमने, भोपली आम खाया हम लोग ने, जामुन भी खाए, फनस अभी फनस खाने का बाकी है। तो ठीक है, अब हम लोग निकलते हैं फार्म से और हम लोग चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं कि पूर्णगढ़ में एक और बहुत अच्छा व्यू है, तो हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पर। टिल देन कीप वॉचिंग पहाड़ी बॉयज। सो गाइस जैसे आपने देखा मैंगो के ट्रीज कैसे होते हैं, फनस के झाड़ कैसे होते हैं, तो इस फार्म में सिर्फ मैंगो और फनस ही नहीं, बहुत सारे झाड़ होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ जामुन का झाड़ कैसा होता है वो। तो ये जो आप देख रहे हैं है जामुन का झाड़, इसमें काफ़ी सारे जामुन लगे हुए हैं। ये देखो जामुन निकाल रहे, ये देखो। मुंबई में हम लोग तरस जाते हैं जामुन खाने के लिए और यहाँ पे लोग घिरा गिरा के ऐसे ही झाड़ पे खराब होते होते सब खराब हो जाते हैं। ये है असली ओरिजिनल जामुन जो अभी जस्ट झाड़ से तोड़ के हम लोग ने लिया है। सो गाइस हम लोग मैंगो फार्म से निकल चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं एक और व्यू पॉइंट पे। अभी फिलहाल हम लोग है पूर्णगढ़ गावखड़ी ब्रिज पे। ये जो ब्रिज देख रहे मेरे पीछे, ये कनेक्ट करता है पूर्णगढ़, ये यहाँ पर है पूर्णगढ़ और ये एंड है गावखड़ी और बीच में है नदी ही नदी, समंदर, वो है अरेबियन सी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से व्यू कैसा दिखता है, वो पूर्णगढ़ दिखता है पूरा, यहाँ से गावखड़ी भी हल्का फुल्का दिखता है। सो या एंजॉय द व्यू, तब तक हम लोग आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम लोग अब कहाँ पर जाने वाले हैं। पूर्णगढ़ का ब्रिज और अब हम जा रहे हैं वहाँ पर, वो जो आपको सब झाड़ दिख रहे हैं हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, उसे बोलते हैं सरू वन। इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सरू के झाड़ है। अभी सरू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, और वन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जंगल है। तो वो एक तरीके का सरू के झाड़ का पूरा जंगल है जो एक स्ट्रेट लाइन में लगाया हुआ है। तो मैं आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ कि वहाँ पर व्यू कैसा होता है वो। हम लोग अक्सर वहाँ पर जाते हैं, पर सोचा कि आज हम लोग जब पूर्णगढ़ में आ ही गए तो आपको भी थोड़ा लेके चले के दिखाते हैं कि वहाँ पे सरोवर क्या है। वहाँ पे बीच है जो कि ब्लैक सैंड बीच है। आपने मुंबई में देखा होगा कि वहाँ पे बीचेस वाइट सैंड के होते हैं, पर पूर्णगढ़ में यहाँ पे इस बीचेस है ब्लैक सैंड के, काली रेत है यहाँ पर। तो मैं आपको लेके चलते वहाँ पर, तो फॉलो मी। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं सरू वन में और मैं और फैजो यहाँ पे आए हैं समंदर किनारे पे। ये है सरू के झाड़ जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, और इन झाड़ों की खासियत ये है कि ये एक लाइन से लगे हुए हैं। इसका कारण ये है समुद्र यानी सरू वन का, जो समुद्र की तेज़ हवा लगती है उसको रोका जाता है।
ओके, तो इस हवा से जो आम के पेड़ वगैरह सब जो हाईवे के वो साइड में उसको तकलीफ ना हो, उसका नुकसान ना हो, इसी वजह से ये सारे सरू के झाड़ लगाए जाते हैं यहाँ पर। और ये आप पीछे देख रहे हो, दूर दूर तक बस वही झाड़ दिखेंगे, और यहाँ पे देखोगे तो भी दूर दूर तक आपको बस वही झाड़ दिखेंगे, पर जंगल है सरू का यहाँ पे। और यहाँ पे आके एक अलग ही सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ पर है समंदर किनारा, द ब्लैक बीच ऑफ गाँवखड़ी। चलो आपको समंदर किनारा दिखाता हूँ। और ये जो सामने आप देख रहे हो ये है पुरनगढ़ फोर्ट, जो कि बहुत दूर है, अब वहाँ पे जाके आते रात हो जाएगी हमें, इसलिए हम वहाँ पे जा नहीं रहे। और ये बीच है, बीच पे ये है सरू के झाड़, ये पूरा जंगल है, दूर दूर तक जहाँ तक देखोगे आपको बस यही जंगल दिखेगा यहाँ पर, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा। तो गाइस अब हम होते हैं यहाँ पे थोड़ा फ्रेश, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, फिर निकलते हैं घर जाने के लिए। शाम का कुछ और प्रोग्राम होगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। तो आज की वीडियो बस इतना ही। तो ये था द ब्यूटी ऑफ पुरनगढ़। आपको पुरनगढ़ की खूबसूरती अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ, और भी कोई सजेशन हो रत्न के बारे में मुझे शूट करना है तो मुझे प्लीज़ बताओ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड कीप वॉचिंग पार्टी बॉयज। अंटिल देन, बाय।